दो मिनट के लिए सेट हो जाता। अबे समझाए चिंता के मामला मना पर टेंशन मत ले, तेरा भी नंबर लगाऊंगा को, मैं तेरा नंबर लगाऊंगा यार। चलो आ तो मुहरा ला गई, आ तो तुम्हारा ला गई, ठीक हम बाहर। मगर पूजा हाँ, कहने की मतलब ये है क्या कि बस एक बार हाँ एक बार मुस्कुरा कर मुझे हाँ अपने हाँ, सीने से लगा लो। मीने कुत्ते, तुझको तो अपने भाई से ज्यादा भाई समझी थी। ये कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, फिर सुअर है। कह दे सुअर, सुअर ठीक कह रहा तू, ये सुअर है। पूजा कभी नहीं मुझसे दूसरे बात कर, मान जा मेरी बात। अलबेली हसीना अलबेली हसीना उटास मेरी हूरी लड़ी चौथिया तो से काहे भागे हमसे। और यागा हमारे नीरज, नीरज फरीदपुर उनका कहना है कि पूजा में हमरो हिस्सा रहे। ओहो अपन हिस्सा ले लेवा साला, ये ठाकुर का चमचा है। और श्यामू भैया इसी की वजह से तुम्हारी दुल्हन मारी गई थी। अरे सोनू इसके कपड़े बाहर करो, सबसे पहले उतारो सारे कपड़े साले के। अरे सोनू बस, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे गरीब लोग ये कपड़े पहनने के लिए तरसते हैं। हमें तेरे कपड़े नहीं चाहिए बे। कोई बात नहीं पहन ले यार, तू भी क्या याद रखेगा। तेरे कपड़े हमें नहीं चाहिए, ये सब हराम की सारे गरीबों का खून है जो तुम्हारे बदन पे पड़ा हुआ है। सारे जिसको 500 देते हो उससे 5000 वसूल करते हो। पैसा हमने दे दिया था और वो पैसा साले झूठ बोल गए कि हमें नहीं मिला। करे
माफ करने काबिल नहीं है हरामजादे, तू माफ करने काबिल नहीं है। तेरी माँ तो जिंदा नहीं हो जाएगी और ना ही श्यामू की बीबी जिंदा हो जाएगी। मैं दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, पैर छू लेता, मुझे छोड़ दो। श्यामू भैया अपना बदला लो इस हरामजादे से। हमारो साले के चल इधर, बहुत लग रहा है। अरे बोल, जो 5,000 रुपया हमने तुझको दिया था कहाँ है वो पैसा? वो 5,000 रुपए कहाँ है? बुला अपने साथी को, वो मुनीम के पास है, बुला साले को। अरे रामबली, जो 5,000 रुपया तुम लोगों को हमने दिया था। भाई पहले बात सुन ले, यहाँ सार का इतना झूठ बोल जाओ नहीं, माता तुम्हारा निकाई हमारा। ये कह रहा था। हाँ यही कहा था। तो वो पैसा कहाँ है, निकालो। पैसा है, लाओ पैसा, लाओ साले। इनके लगे सरदार जी जमा कर दिया, जमा हो गया। श्यामू भैया अपने दूल्हन का बदला इस शरमजादे से तुम लो, उठाओ बंदूक। और मैं नंबर बोलता हूँ, इसका नाम और निशान मिटा दो हरामजादे का। एक सारे का मार डाओ। अगर ये ठाकुर रामनगर चकपुरवा में रहेंगे तो इसी तक तरीके तबाव आप बर्बाद करते। अरे बेटा मुझे माफ कर दे। तू माफ करने का भी नहीं ठाकुर। मैं यार रामनगर स्टेट छोड़कर दूसरे जिला पर चला। हम तुझे दूसरे जिला जाने ही नहीं देंगे हरामजादे। तू वहां भी इसी तरीका अत्याचार करेगा, नंबर एक। और नंबर दो, लगा निशाना। सारे पीछे का हाथ लगाते, हक मारो। नंबर बोलो। नंबर एक। नंबर दो। नंबर 3। हिस्सा बंटवारा कर रहा था साले छोकरी को। देखो यार भैया, मऊ यार हर जने नहीं, लेकिन का करी ठाकुरन के राज मराई रह के। तू भी हर जन है भैया, मो कमनो गलती नहीं, कोई बात नहीं है। बुला छोकरी को, बुला छोकरी। सरदार जी, खंभे में बांध कर मारा है। नहीं, अच्छा मऊ तो हर जने नहीं है ना, जैसे तुम हर जन वैसे मैं हर। ये बोलो, तुम इन हराम जातों के चक्कर में यहाँ कैसे आ गई? गंगा का किनारा है ये। बाबूजी मैं इन हराम जादे के चक्कर में आई नहीं हूँ, बल्कि ये मुझे जबरदस्ती आला है। जबे, साले, लड़की को जबरदस्ती गंगा किनारे किनारे थे। अच्छा गंगा का ही ठाड़ है, झूठ ना बोले। मैं तुमका लाए हूँ का, तुम नान बुद्धि हो का कि कन्या में लाए हो? किस लिए लाए थे जरा बोलो। हमार गलती नहीं ना, जो गलती हम एकदम आराम से हैं। बाबूजी एक दिन की बात है। क्या एक दिन की बात है? एक दिन आधी रात की मेरे भैया के कमरे से लड़की की आवाज आई। तुम्हारे भैया के कमरे से आधी रात में लड़की की आवाज आई? हाँ। क्या हुआ बोलो। मैं अचानक जाकर देखी अपने भैया के कमरे में, तो मेरे भैया एक लड़की की इज्जत से खेलना चाहते थे। क्या कहा आपके भैया? फिर क्या हुआ? उसके बाद उस लड़की की इज्जत मैंने बचाई। बहुत अच्छा आपने काम किया। बस उसी दिन से मेरे भैया मुझको अपनी नजरों में देखने नहीं चाहते थे। आज ये दिन आ गए कि धर्मों को बुलाए और ये दरबारी को बोले के ले जाइए गंगा स्नान और मेला देखने के बहाने इस कमीने को वहीं खून कर देना। तो तुम्हें मारने के लिए लाए थे? मुझे मारने के लिए लाए। तुम्हारे भैया ने भेजा था कि जाओ इस लड़की को ले जाकर गंगा किनारे इसका खून कर दो। हाँ, यानी लड़की की लाज तुमने बचाया था। लेकिन एक कमीनों ने, वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी, क्या नाम था उसका? वो लड़की का नाम था सरला। क्या कहा? सरला नाम था। सरला? हाँ, और अपने माँ का नाम शांति बता रही थी और अपने भाई का नाम सोनू बता रही थी।
वो कछपुरों की रहने वाली थी। ठीक है, अगर आपने सरला की लाज बचाया है तो ईश्वर ने तुम्हारी लाज बचाने के लिए हम लोगों को भेज दिया है। घबराओ नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की बहन हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा? हाँ। ऐसा करो, तुम्हारा भैया बहुत खूंखार ठाकुर है और बड़ा अत्याचार कर रहा है रामनगर चकपुआ में। हाँ, ये तो जानती हूँ। ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ, अपने राजमहल वापस चलिए। नहीं जी, आप क्या कह रहे हो? मैं दोबारा लौट कर हवेली नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? जिस भाई ने मुझे जान से खत्म करने के लिए जंगल भेजा, अगर मैं दोबारा जीवित होकर जाऊंगी तो वो मुझे जान से खत्म कर देगा, अपनी नजर में देखेगा नहीं। तुम्हें जान से मैं नहीं जाऊंगी। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या बात कर? हाँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए ठाकुर ठहरे कहीं इस पहाड़ी पे, कहीं उस पहाड़ी पे। पुलिस हर वक्त हमारे पीछे लगी रहती है। अगर हम अरेस्ट हो जाएंगे तो तुम भी अरेस्ट हो जाओगी, तुम्हारा नाम बदनाम होगा। बाबूजी, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ और आपके साथ मरना भी चाहती हूँ। रही मेरे भैया की बात, मेरे भैया से आपकी दुश्मनी है, अगर बात आ गई तो अपने भैया के सीने पे गोली भी चढ़ सकती हूँ। अब तो विश्वास होगा? ये वादा करती हो? हाँ। सच कहती हो? सच कहती हूँ। हमारे साथ कोई गद्दारी तो नहीं करोगी? कोई गद्दारी नहीं करूंगी। अरे चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो और हमारे गुफे में आराम करो। अच्छा, और थोड़ी देर के बाद हम आते हैं। ठीक है, जल्दी आना, मैं आपके इंतजार करूंगी। ठीक है भैया। श्यामू? हाँ भैया। ये तो हमारे दुश्मन की बहन है जी, और ये वादा कर लिया कि मरने जीने का वादा कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चलिए कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं है। ऐसा करो, एक खत लिख कर धर्मेंद्र ठाकुर प्रताप सिंह के यहाँ भेजा जाए। पहले से लिख दिया था जी, इसमें यह लिख दिया है कि तुम्हारा नौकर थर्मू श्यामू के गोलियों से मारा गया जी, और तेरी बहन पूजा सोना सिंह डाकू के साथ में है। अगर तुझमें ताकत और हिम्मत है तो अपनी बहन को ले जा। ये सब तैयार है। कमीने कुत्ते, अब तेरी मौत आखिरी आ गई है, अब तू हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। ये भी लिख दिया। जाओ ये खत ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को पहुंचा दो। लाइए ये खत। आओ चलते हैं। जय माता भवानी। आप गुप्ता में आराम करिए, मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है भाई, ले उतर आकर। हाँ, आपके अपने ठाकुर को दे देना। ठीक, जाओ। हाँ, चबाइना तो ना ले हो? नहीं, चबाइना नहीं लेते। जाओ, अच्छा नेवता पागन जाओ। मैं के लागत है नेवता बोधी के पुरावा का आएगा। लंबरी राम राम। राम राम, कैसे हो? ठीक हन। ये क्या है यार? जाओ, बीता थी हम ही जानी थी। अरे क्या बीत रही है, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ हो नहीं ना। दिक्कत हो तो योगी जी से कह के कॉलोनी दो चार दिलवा दूं। कॉलोनी की जरूरत नहीं ना, कॉलोनी मिल गई। फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? यह रजिस्ट्रेशन आवा। रजिस्ट्रेशन? अरे बेकूफ, कहीं से निमंत्रण आया होगा? मैं कल आगा तो बारहों का नियुक्ता यार। हो सकता है, पढ़ के सुनाओ। इसमें लिखा है ठाकुर हराम जादे कुत्ते
इतने जूता मारूंगा साले शान के खिलाफ बोलेगा ना तो औलाद तक गंजी पैदा होगी तेरी। यह लिखा है या चश्मा लगा ले ना दिखा तो एमा लिखा है एमा साऊ साऊ लिखा ठाकुर राम जादे कुत्ता का पिल्ला लिखा है लंबरी एमा लिखा ना हो तुम कसत कही देते हराम जादे याद रख एमा लिखा है लिखा है आगे बोल तेरी बहन मेरे हवाले है मेरी बहन तेरे पास तेरे बोल साले मारने के लिए भेजा था कहाँ छुपा दिया उसको एमा लिखा है याद रख तेरी बहन मेरे हवाले है ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जिस तरीके तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ दिया है अबे मैंने तेरी कहाँ दुनिया उजाड़ दिया है लिखा है यार लिखा है याद रख जिस तरीके तूने मेरी माँ शांति का खून किया है तूने श्यामू के बीबी की हत्या किया है याद रख ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप एक दिन मैं तेरी हवेली पे आके तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। भेजने वाले का नाम पढ़ कौन है? पत्र भेजने वाला सोनवा से सोना सिंह डाकू। वो शांति का लौंडा बच गया। वो सोना सिंह डाकू बन गया। अरे तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? श्यामो से मंगल से और उसका कहना कि अगर तेरे में हिम्मत है ताकत है जितनी फोर्स लगाना है लगा ले अगर तुझ में ताकत है ए धर्म सिंह को बुलाओ इसे वो चला गया कहाँ चला गया जहाँ से आवा रहा वो चला गया धर्म गया क्या हुआ उसे तुम्हारे बहिनी का छेड़त रहा है क्या अरे बाप रे मैं मना करे कि सारे न छेड़ जाऊन ता तुम्हारे बहनी के बदन में हाथ लगा रे मोरे लगा किटकिटा हुआ सर जाऊन ता पकड़त रहा मैं मना के हूँ बुला हराम जादे को मैं गोली मार दे अरे वो तुम चला गया कहाँ गया भाग गया क्या इलाका छोड़ करके वो जहाँ से आवा रहा फिर भेज दी से मुआ आएगा सोनू आएगा मंगल आएगा या तो कहो महिका छोड़ दी है नहीं पता नहीं बिरादर समझ के धोखा समझ के नहीं मऊ कौन खेता हम खाप दहत पालटा पड़ा रहा रामबली इसका मतलब हमारी बहन उसके हिरासत में है तुम्हारी बहन उसके हिरासत में है उसने चैलेंज दिया कि तुम में हिम्मत है ताकत है तो अपनी बहन को मेरे अड्डे से छुड़ा ले जाओ मुझे कोई जरूरत नहीं है वो आज नहीं तो कल मारी जाएगी हराम और लिखा है कि कल 10:11 में मैं तुम्हारी हवेली पे चढ़ाई करने आ रहा हूँ जितना फोर्स लगाना चाहता है लगा ले तुझे मैं दिन में आके मारूंगा कुत्ते अम्बली कसम चटैया की अम्मा छुट्टी दे बुलडोजर बाबा की राज में कोई सारा आतंकवादी बचेगा नहीं सब सारे मारे जाएंगे लेकिन ये बता मोल्ला खिया सरला है क्या मोल्लावा खिया सरला है उस मुसलमान कितनी बड़ी औकात की हमारे दुश्मन को पनाह दे दिया उसने अबे मैं घूम के आया हूँ खाली मैं दुआरे पर से देखे हो कि सरला रोटी पका रही थी आवाज गाता हिंदुस्तान की गाता पाकिस्तान की आवाज मरेगा हराम ज्यादा मेरे हाथों से आज जुम्मा आए आज उसके नमाज पढ़ने का वक्त होने वाला है मैं उसे नमाज पढ़ते ही मारूंगा हाँ। ना जन्नत नसीब होगी ना दोजख खराम जल्दी चलो वही लागत चल। चले हम क्योंकि हमारा नमाज पढ़ने का समय हो गया है चलते हैं नमाज को अदा करते हैं ठाकुर साहेब दौड़ियो दौड़ियो वो देखो मोल्ला चौपार महा
ठाकुर साहब वाह मोल्ला एक आई सुनो एक आई ओकाई ना तड़ो वाह है जैसे के निहुर आ तुम पीछे से जाके मसक दे तलवार यार तलवार बदे आखो निहुरे वाला है चाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ निहुरे वाला है मार दे तोरी मोल्ला की जा सारे हो अंडा बेच या चला गा तेरे चला तो मोल्ला जा अगर सरलावा कहीं इसके मकान में है तो अंदर होगी बचा तू खचिल्ला हराम जाति को अरे मोल लग बेसारे हो मुर्गी की दुकान भर ओ सरला चल 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 मुझे चल मारे उन्हें कहां ले जा रहे हैं मुझे बाबा जान अल्लाह राम को प्यारे हो बाबा जान क्या हो गया आपको आप बोलते क्यों नहीं आप क्यों नहीं बोलते अरे बाबा जान इधर तुम्हारे दिल जान खड़े खामोश कमीना तो क्या समझती थी तो ठाकुर से बच जाएगी तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ तूने एक नेते व्यवहार किया है तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा तेरे भाई ने जंग का ऐलान किया है और उस जंग को मैं खत्म करूंगा नहीं उठा साली को हवेली में चल 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 है आओ गफ्फार चाचा के यहां चलते हैं चाचा जान किसी ने तलवार मार दिया भैया चाचा जान सोनू मैं सोनू हूँ सोनू अरे बेटा भले तू आ गया ये तुम्हारी हालत किसने किया चाचा जान मैं नमाज पढ़ रहा था नमाज पढ़ते वक्त ये हराम जादा ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह पीछे से मेरे तलवार मार कर क्या नमाज पढ़ते वक्त मारा है तुम्हें हाँ बेटा और तुम्हारी बहन मेरे घर में थी और उसे उठा ले गया क्या मेरी बहन सरला को ले गया हाँ बेटा भैया सैबू कोई डॉक्टर को बुला कर लाइए हाँ ठीक है हम चलते हैं चाचा जान हम डॉक्टर को बुलाते हैं नहीं डॉक्टर को नहीं बुलाओ क्योंकि मेरा आखिरी वक्त है जाओ तुम उस हरामजादे ठाकुर के हाथ से अपनी बहन को छुड़ाओ वरना वो तुम्हारी बहन की इज्जत बर्बाद कर देगा चाचा जान हम ऐसी हालत में कैसे छोड़ कर जाते हैं नहीं चाचा जान मेरा आखिरी वक्त है बेटा आप ठीक हो जाएंगे आप ठीक हो जाएंगे चाचा जान या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल चाचा जान भैया सैबू हाँ भैया चाचा जान तो हमारा तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए हाँ भैया चलो इनकी लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया जाए और दुनिया से जब नबी चले अरमान दे सरला को यहाँ से छीन ले गया है हाँ भैया उठा ले गया है चलो इसी वक्त हवेली पे धावा बोल दिया जाए चलते जय मां भवानी जय हराम दादी अब नखरे दिखा रही है ना चल चाली चल चल हराम दादी चल अरे छोड़ मुझे छोड़
धर्मेंद्र सिंह, तेरे पाप का गला भर चुका है और ये बहुत जल्द फूटने वाला है, छोड़ दे मुझे। अरे चिकनी ज्यादा मत बोल। छोड़ दे, एक दिन तू बहुत पछताएगा क्योंकि तूने बहुत पाप किया ना। छोड़ दे मुझे। जो करते हैं अच्छा करते हैं। देख, छोड़ दे मुझे। छोड़ूंगा। क्यों बर्बाद होना चाहता है? बर्बाद? हाँ। अरे तेरी मोहब्बत में कुछ भी हो जाए। देख धर्मेंद्र सिंह, मुझे बचाने मेरा भाई आया है। देख, तेरा भाई आ गया साला ये। आज मुझे बचाएगा और तुझे जान से खत्म करेगा। मुझे मारेगा ये। तेरी चीता को आग लगाएगा रे। छोड़ मुझे। तू बौखला गई है। मैं पागल हो गई हूँ, ये बोल ना। ठाकुर देख, भाई नहीं आया आज मुझे बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए मेरे दो दो भाई आए हैं, एक तुझे मारेगा और एक तेरी चिता को आग देगा। लौंडे, अगर बहन की जिंदगी चार चाहता है तो अपने पालतू कुत्तों से बोल हथियार डाल दे और न काट दूंगा। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, हथियार नहीं फेंकना। मेरी फिकर मत करो, गोली चलाओ भैया। सैमू चला गोली, इस कमीने को मार दे। सरला नहीं, हम गोली नहीं चलाएंगे वरना तेरा सर कलम कर देगा। भैया मैं मर गई तो क्या हुआ? अगर मैं मर गई तो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। और खैर, अगर ये ठाकुर बच गया ना, ये कमीना ठाकुर बच गया तो कल ये किसी न किसी गरीब को फिर से बर्बाद करने की। सरला तुमने मेरे नहीं मुर्गी की तरीके काट दूंगा साली तुझे मैं। तुमने मेरे कलाई में राखी का धागा बांधा है। आवाज आई, मैं मरने जीने का वादा किया हूँ बहन। छोड़ दे ठाकुर, मेरी बहन को छोड़ दे। हथियार फेंक दे। ये ले, मैं हथियार फेंक देता हूँ। अबे जंगली जानवर, शर्त नहीं, छोड़ देगा मेरी बहन को। जितना हम कहते हैं उतना करो। हराम जादू, आज तक कोई माई कला रामनगर स्टेट में पैदा नहीं हुआ जो ठाकुर के सामने नजरे मिला के बात करे। और तुम दोनों ने एक जंग का ऐलान कर दिया। ये वो चौखट है जहां पहाड़ भी आकर झुकता है। तुम दोनों इस चौखट पे नाक रगड़ो। छोड़ देगा मेरी बहन को। शर्त नहीं सुनवा, वरना तू जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं भैया, ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो भैया। चिल्ला मत। देख, इस साले नापुंसक ना मर्दों के भरोसे तूने मुझे धमकी दिया था ना अभी। हिजड़े बने हिजड़े ठाकुर की चौखट पर खड़े हो जाओ भैया। अरे चिकनी, कारे तेरी बीवी को बचाया था ना, ये चीखेगा ना तो तेरी बहनियों को। और देख, तेरी बहन वाकई बहुत अच्छी है, सुनवा भैया। भैया मेरी फिकर मत करो। शर्माती है ना, खाली मारो उस कमीने पापी को। बहुत अच्छी है, इधर देख सर, नजरे मेरी तरफ देख। बहुत सारे इज्जत के लिए मरते हो ना। क्यों नहीं, इज्जत से बढ़ के कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। नजर मत हटाना मेरी तरफ देख। बोल बोल, सारे नंबर तो बचा रहे तुझे, बोल। कुछ नहीं कर सकते हैं भैया। तुझे तेरी बहन चाहिए ना? मेरी बहन मुझे। चल, मैं तेरे ऊपर एहसान कर देता हूँ, अगर संभाल सकता है तो संभाल अपनी बहन को। ये ले। सरला
भैया, उसने मुझे तलवार से मार दिया। सरला, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सका बहन। मैंने वादा किया था कि तेरे लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। सरला भैया, चाहो उसका पीछा करो, वो कमीना भाग जाएगा। तुम्हें मेरी कसम है, उसे जिंदा मत छोड़ना। अबे तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं बहन। जब तक तुम उसे मारोगे नहीं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सरला, मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। सरला, मुझे मुझे कहीं मत ले जाओ भैया। बोलो। वो देखो, मुझे कोई बुला रहा है। कोई नहीं आ रहा भाई। मुझे मेरी माँ बुला।